गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? तो आपको पता है ना हमारी दिन की शुरुआत कैसे करेंगे? श्लोक या मंत्र के द्वारा। सभी अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मैं आपके साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देखिए, हम एक एक श्लोक बोलते थे, एक एक मंत्र बोलते थे, लेकिन अब मुझे पता है साल का अंत आने वाला है, सबको सारे श्लोक मंत्र जो मैंने सिखाए हैं याद हो गए होंगे। तो जितने भी सीखे हैं अब हम रोज बोलेंगे और आप सब मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है? तो चलिए हम हमारी क्लास की ओर चलते हैं। हम लोग मयूर पंख पढ़ रहे हैं। सभी लोग अपनी पुस्तक निकालें। अपनी पुस्तक का आप लोग निकालेंगे पेज नंबर, हमने पिछले बार पढ़ा था वित्तों की बुद्धिमानी, जो कि हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। आज हम पढ़ेंगे बहादुर बालिका, है ना? कौन है ये बहादुर बालिका? जी हाँ, ये बहादुर बालिका है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो हम पढ़ेंगे पाठ 12 बहादुर बालिका। सभी लोग अपनी पुस्तक खोल के बैठेंगे। बहुत अच्छा पाठ है, किस तरह से झांसी की रानी ने अंग्रेजों को चले नाको तले चले जनाए थे, मतलब युद्ध में पराजित किया था। सभी लोग निकालेंगे, है ना? अभी आप देख रहे हो सोनी पे एक सीरियल आ रहा है अहिल्या, है ना? तो अहिल्या जो कि हमारे महेश्वर की महारानी थी, उनके जीवन पे आ रहा है। सभी जरूर देखें कि किस तरह से बच्चों की को होना चाहिए, किस तरह से वो प्रश्न पूछती है, किस तरह से उनकी परवरिश की जा रही है। अगर आप बच्चों को यह सीरियल ध्यान से देना चाहिए, माता पिता भी ध्यान दें कि देखिए बच्चों के लालन पालन में जो हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम उन्हें प्यार करके लाड़ करके बिगाड़ रहे हैं, है ना, तो यह हमारी गलती है। किस तरह से अहिल्या की माँ उसे परवरिश कर रही है और किस तरह से खंडेराव जी का परवरिश हो रही है, तो दोनों में आप तुलना करिए कि किसका जीवन आगे जाके श्रेष्ठ बन रहा है ना। तो देखें जरूर, है ना, ताकि हमारे बच्चे हमारे इतिहास को जाने, है ना, और वैसा बनने की वो भी कोशिश करें। तो आज हम पढ़ेंगे बहादुर बालिका, है ना? सभी लोग अपनी पुस्तक निकालें। देखिए ये है झांसी की रानी, है ना, ये रही झांसी की रानी। अब झांसी की रानी बड़े होके नहीं बनी थी, वो बचपन से ही उसमें वो गुण आ गए थे, है ना। बोलते हैं ना पूत के पाँव पांदे में दिखते हैं, तो कोई भी अहिल्या को हम देख रहे हैं वो बचपन से वैसे ही दिख रही है जैसे उसमें बड़े होके वो गुण आए थे। कोई भी एकदम से बड़े होके वैसा नहीं हो जाता, है ना। तो बचपन से ही हमें इस तरह से बहादुर और बनना है लीडर। आज हम सब अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, है ना। इस आज़ादी को पाने के लिए हम बहुत सारे लोगों ने अनेक कष्ट उठाए, है ना, और अपने प्राणों का भी बलिदान दिया। बहादुर लड़की मनु ने भी अपने प्राण देकर देश के लिए आज़ादी करवाई थी, बलिदान दिया था। मनु कौन थी? झांसी की रानी, जिनका बचपन का नाम था मनु, है ना। हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था और उनसे युद्ध किया था उन्होंने,
और कई लोगों ने युद्ध किया जब जाके आज हम आजाद जीवन जी रहे हैं, अपनी मर्जी से जी रहे हैं, वरना हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम होते हैं और उनके अनुसार ही हमें चलना पड़ता। यदि आपको भी देश के लिए कुछ करने का अवसर मिले तो आप करना चाहेंगे क्या, है ना? तो चलिए आज हमारा बहादुर वाली का स्टार्ट करते हैं। एक लड़की थी मनु, बहुत बहादुर बहुत निडर थी वह। बचपन से ही उसे तीर चलाना, घोड़े की पीठ पर चढ़कर घूमना अच्छा लगता था। मैंने क्या कहा, ये गुण बड़े होके एकदम से नहीं आते, बचपन से ही धीरे 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 आते हैं और बड़े होके वो उसमें दिखाई देने लगते हैं। तो मनु एक बहुत ही साहसी और बहुत ही नीडर लड़की थी और बचपन से ही उसे तीर चलाना, घोड़े की सवारी करना और घोड़े की पीठ पे बैठ के घूमना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, मनु नदी के किनारे घोड़े की पीठ पर सवार होकर सैर कर रही थी, है ना? नदी के किनारे क्या कर रही थी, वो घोड़े की पीठ पर बैठ के सवारी कर रही थी, सैर कर रही थी। उसके साथ दो बालक भी थे, वे भी घोड़े पर सवारी कर रहे थे। उसके साथ दो बालक और थे और वो भी क्या कर रहे थे, घोड़े पे सवारी। शाम का समय हो चला था, सूरज देवता भी धीरे धीरे डूबने लगे थे। शाम का समय हो गया था और सूरज देवता भी क्या हो गए थे, धीरे धीरे डूबने लगे थे। मनु और उसके संग दोनों बालक घर की ओर लौट चले, है ना? अब जैसे आप लोग शाम होती है अपने घर जाते हो, है ना, उसी तरह वो लोग भी शाम हुई तो अपने घर वापस लौटने लगे। वे अपने अपने घोड़ों को भगाए चले जा रहे थे, है ना? कॉम्पिटिशन होता है ना, आप साइकिल चलाते हो तो होता है ना कि मेरी साइकिल आगे बढ़ेगी, मेरी साइकिल आगे बढ़ेगी, तो इसी तरह घोड़े की रेस होती थी। वो अपनी अपनी तेज स्पीड कर रहे थे, मैं आगे जाऊँ मैं आगे जाऊँ। आगे आगे बड़ा बालक था, पीछे छोटा था और मनु सबसे पीछे थी। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा भागा। बड़े बालक ने भी आगे निकलते ही मनु से कहा, हिम्मत है तो आगे निकलो। यह कहकर वो आगे निकल गए, है ना? और उसने क्या किया, मनु ने अपनी घोड़े की स्पीड बढ़ाई और बड़े लड़के से भी आगे निकल गई। और उसने कहा कि हिम्मत हो तो मेरे आगे आके दिखाओ, है ना? लड़की होके वो बहुत तेज घोड़ा चला रही थी। बड़े बालक ने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा तेज भागा। घोड़ा इतना तेज भागा कि बालक अपने आप को संभाल नहीं पाया, वह घोड़े की पीठ से नीचे गिर गया। घोड़ा बालक को छोड़कर भाग गया। अब उसने भी क्या किया, तेज चलाने के लिए अपने घोड़े की और स्पीड बढ़ा दी और जैसे स्पीड बढ़ाई की उसका बैलेंस बिगड़ गया और घोड़ा गिर गया और बच्चा भी गिर गया। अब घोड़ा भी घबराया तो घोड़ा उस बच्चे को छोड़ के चला गया। बालक ठोकर खाकर घायल हो गया, है ना? सब लोग अपनी फिंगर रखेंगे साथ में। उसने सिर से खून बहने लगा, वह चिल्लाया, मनु बचाओ, है ना? अब मनु आगे थी, उसे नहीं पता कि पीछे क्या हुआ। लड़का गिर गया, उसके सिर पे चोट लग गई, खून निकलने लग गया और वो जोर से चिल्लाया, मनु बचाओ। मनु ने पीछे मुड़कर अपने घायल साथी को देखा, वह लौटकर उसके पास पहुंची। तब तक छोटा बालक भी वहां पहुंच गया था। सिर से बहता खून देखकर छोटा बालक घबरा गया और भाग गया। देखो चोट लग गई तो मनु ने उसकी आवाज सुनी, छोटे बालक ने भी सुनी, वो दोनों वहां पहुंच गए। लेकिन मनु, वो छोटा लड़का घबरा गया और भाग गया खून देख के, है ना, कि घर पे डांट पिटेगी या कुछ भी, उसको जो भी डर लगा था। और मनु वहाँ पे रुकी रही, उसने उसे छोड़कर नहीं गई। मनु नीडर थी, उसने तनिक भी घबराहट नहीं हुई, उसके घायल बालक को उठाया और घोड़े पर अपने आगे बिठा लिया, है ना? उसने क्या किया कि घोड़े पे अपने साथ आगे बिठा लिया और खुद भी बैठ गई, है ना? मनु ने दाएं हाथ से बालक को थामा और बाएं हाथ से घोड़े की लगाम। देखिए, एक हाथ से उसने घोड़े को पकड़ा हुआ है, है ना, लगाम को, और एक साथ एक हाथ से बच्चे को। देखिए इतनी छोटी बच्ची है और कितना साहसी काम कर रही है ना। आप लोग भी क्या करते हो, साइकिल वगैरह चलाते हो तो अगर किसी की लग जाती है तो वहाँ से भागना नहीं है, हमें उसकी मदद करना है, है ना, उसे उसके घर तक पहुँचाना है। ऐसा नहीं कि उसे देख के हम भाग गए, ये गलत बात होती है ना। हमें डरना नहीं, गलत कार्य करने वाला डरता है, गलत हुआ है, हमने किया है क्या, नहीं, वो तो अपने आप गिरा है, उसको अपने आप लगी है। डरता कौन है, जो गलत काम करता है ना, और हमने गलत काम नहीं किया तो हमें डरना नहीं चाहिए। अब लगा वह घोड़ा दौड़
दौड़ाती हुई घर वापस पहुंच गई और घोड़ा दौड़ाते हुए वो अपने घर पहुंच गई। जानते हैं मनु कौन थी? वह लक्ष्मीबाई थी, जो बड़ी होकर झांसी की रानी है ना के नाम से जानी गई है ना। उनका नाम था बचपन का मनु था और उन्हें अपने ससुराल में लक्ष्मी नाम मिला था और झांसी की वह रानी थी, इसलिए उन्हें झांसी की रानी नाम दिया गया था। तो आज हमने झांसी की रानी की ये कहानी पढ़ी। झांसी की रानी के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं बेटा, आप लोग भी अपनी पुस्तकें ऐसी बुला के पढ़ सकते हो है ना। महान लोगों के बारे में ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ के आप अपने आप में इस तरह से आप भी बहादुर और निडर बन सकते हो है ना। तो हमें इस तरह की कहानियाँ पढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए आज हम इसके शब्दार्थ लिख लेते हैं है ना, तीन चार हैं। और आप इसका होमवर्क भी लिख लीजिए। होमवर्क ये है पाठ 12 का वाचन करें एवं कठिन शब्द जानकर लिखें। कठिन ये स्क्रीनशॉट ले लें, होमवर्क जरूर करें। ऐसा नहीं कि बस बहुत दिनों बाद मैंने आपको कठिन शब्द छाट के लिखने के लिए दिए हैं। अब इसके शब्दार्थ लिखिए, होमवर्क लिख लीजिए। आप लोग अपनी क्लास वर्क कॉपी में आपको ये शब्दार्थ लिखना है, सूत्र लिखना है, उसी के नीचे फिर कठिन शब्द लिखना है। नीडर, नीडर है ना जिसे डर न लगे। नीडर जिसे डर न लगे। एड़ लगाई मतलब चलने का इशारा करना। एड़ लगाई, घोड़े को इशारा करते हैं, एड़ लगाते हैं जिससे घोड़ा तेज 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 चलता है ना। एड़ लगाई मतलब चलने का इशारा करना। फिर है तनिक, जरा थोड़ी सी। तनिक जरा या थोड़ी सी। फिर अगला है पकड़ा है ना, थामा, थामा ने पकड़ा। लिख लीजिए आप लोग सुंदर राइटिंग में, चार है केवल, बहुत कम है। होमवर्क भी नोट डाउन करना है साथ में है ना।
आपको होमवर्क अलग पेज पे लिखना है, ऐसा नहीं कि मैम ने साइड में लिखा हमने ऐसे ही लिखना है, ठीक है? चलिए अब उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके और जल्दी लिखने की आदत डालें। अब इसके श्रुत एक शब्द इसी के नीचे लिखेंगे आप लोग। श्रुत एक शब्द लिखेंगे आप लोग। आप चाहे वन टाइम लिख लीजिए, बाद में लिख ले, बाद में मीन्स ऐसा नहीं कि हर दिन बाद। नेक्स्ट राउंड शुरू होगा आप सभी को।
वाचन बहुत आसान था, वो हुआ, उसके शब्दार्थ श्रुतलेख भी लिख लिया हमने। बहुत अच्छी कविता है रानी झांसी की, रानी की है नहीं, पीछे देखो दीवी भी है शायद आपके बुक में। बुंदे लोहर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आप ढूंढना, उसको याद करना, बहुत अच्छी कविता है, अपनी नोटबुक में भी लिखना, क्लासवर्क नोटबुक में, और मुझे वीडियो भी सेंड करना है ना याद करके, चाहे उसकी चार लाइन आठ लाइन याद करना, बहुत अच्छी कविता है ना। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, है ना, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने जानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बहुत अच्छी कविता है, इसे आप अच्छे से याद करना, है ना, मुझे ज़रूर सुनाना, वीडियो उसका सेंड करना, है ना, आपका वीडियो मैं अपने ग्रुप पे शेयर करूँगी जल्द से जल्द, वीडियो अच्छे से बनाना, अच्छे से कविता सर्च कर लेना, पूरी मिल जाएगी आपको, है ना, और उसको याद करना जितनी याद हो सके आपसे, तो याद करना, है ना। तो चलिए आज का हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है, अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे।